हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूं। इसके बाद आपको टाइप करना है डिजी लॉकर, DIGILOCKER। ये ऊपर में सबसे पहले आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलेगा, इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करूँगा। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको, अगर आप साइन इन नहीं है तो साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। साइन अप पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद OTP आएगा। OTP देने के बाद 6 डिजिट का पिन कोड सेट कर देना है, इससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मेरा पहले से अकाउंट है तो हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। तो मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आधार नंबर और OTP दिया। उसके बाद आपके सामने इस तरह से खुलेगा सिक्योरिटी पिन के लिए। तो मैं अपना सिक्योरिटी पिन दे देता हूँ। अब मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो आप जो है आधार नंबर जैसे दाबिएगा, तो जो नंबर आधार नंबर के साथ लिंक है वो नंबर जो है उस नंबर पे OTP आएगा। जैसे आप OTP दीजिएगा, आपका जो है सिक्योरिटी पिन जो है सेट करना होगा। तो आप उसे आसानी से सिक्योरिटी पिन 6 अंक का सेट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें आपको इशू डॉक्यूमेंट में, ये वाला जो देख रहे हैं इशू डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, ये इस तरह से आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये सर्च का ऑप्शन, तो इस जगह पर क्लिक करना है। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ आप पे आपको टाइप करना है सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली खुल चुका है। इस पर आपको जो है एरो पे इस पर क्लिक करना है एक बार। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने सारा खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। तो आपको जो है मार्कशीट या टेस्ट सर्टिफिकेट दोनों डाउनलोड करना होगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप, मैंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर दे के जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।